क्या भाई, श्याम बहादुर एनिमल में दोनों में से कौन सी देखी? भाई मैंने दोनों ही देखी और मेरे को दोनों ही शानदार लगी, एक नंबर की, दोनों ही पैसा वसूल है। सबसे ज्यादा कौन अच्छी लगी? दोनों ही अच्छी है यार। बाकी हाँ, अगर क्या कि दोनों ही अलग अलग जोन की है, तो इंडियन सिनेमा में मतलब मैं बोलूँ कि अगर देशभक्ति पे बोला जाए तो देशभक्ति में 2023 में यही एक वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है श्याम बहादुर, और एक्शन और एंटरटेनमेंट के पर्पज के बेस पे एनिमल बेस्ट है। तो दोनों का कंपैरिजन करना गलत बात है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग जोन की फिल्म है। अगर एक ही जोन स्टोरी लाइन किसकी वीक थी, श्याम बहादुर की कि एनिमल की? स्टोरी लाइन भी दोनों की अच्छी है, क्योंकि वो 1971 के रियल इंसिडेंट पे आधारित है और रियल कहानी है, मतलब कि श्याम बहादुर की बायोपिक है और ये तो मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन ये बहुत शानदार, मतलब संदीप वांगर रेड्डी ने भाई एनिमल देख करके बता दिया है कि वो कबीर सिंह के बाद अगली मार्च। एक्टिंग किसकी बेस्ट लगी, विकी कौशल की कि रणवीर कपूर की? दोनों की, दोनों की अपने अपने फिल्मों में बेस्ट एक्टिंग है, और रणवीर कपूर के साथ साथ मैं उनकी एक्टिंग की तारीफ करूंगा, बॉबी देओल की, उनका भी ऐसा विलन काम है, तो भाई दोनों की जी फाड़ एक्टिंग है और जी फाड़ एक्शन है। और रही बात विकी कौशल की, तो भाई विकी कौशल इसमें श्याम बहादुर कैरेक्टर में इतना ज़्यादा घुस चुके हैं कि ऐसा लगता है कि श्याम बहादुर का जब भी आपके माइंड में जिक्र होगा तो आपको सबसे पहले माइंड में आएंगे विकी कौशल, क्योंकि उन्होंने पूरे श्याम बहादुर के कैरेक्टर को पी लिया है, मतलब क्या ही बताया, पूरा एनर्जेटिक, और भाई जो एक वर्दी का जो एक वो होता है ना जज्बा, तो वो देखने को मिला है, मतलब टोटली नेक्स्ट लेवल सा। और हालांकि सबसे पहले मैंने श्याम बहादुर देखी थी, उसके बाद मैंने एनिमल देखी है, तो मुझे दोनों ही फिल्में पसंद आई हैं, और BGM भी दोनों का परफेक्ट है, एक नंबर का है, लेकिन BGM कहने की एनिमल का ज़्यादा अच्छा है, मतलब ये कि बजट के हिसाब से। दोनों मूवी को 5 में से कितने स्टार देंगे? दोनों ही फिल्मों को नहीं, वैसे दोनों ही को 5 में से 5 दूंगा। ओके सर, थैंक यू।